लाल बाग जाएंगे जी, पटना के सब्जी बाग जाएंगे जी, दिल्ली के शाहीन बाग जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। मोदी और अमित शाह तो आएंगे और जाएंगे, आइडिया ऑफ इंडिया विल सर्वाइव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्वाइव। लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, एक दिन जीत हमारी होगी। तो अब हमारे साथ है जिग्नेश मेवानी जो वडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं और एक बहुत उभरते हुए एक्टिविस्ट है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको ये सीएनआरसी पे क्या कहना है। यार क्या कहना है, ये भारत की छाती पर छेद करने के समान है जी। ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये हमारे राष्ट्रध्वज के खिलाफ है, ये बिस्मिल और अशफाक के बलिदान के खिलाफ है, ये स्वतंत्रता के संग्राम में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके बलिदान का अपमान है। भारत में जिसका भी जमीर आज जिंदा है, जिसका भी आत्मा जिंदा है, उस हर व्यक्ति का, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आज इस वक्त में पहला कर्तव्य ये बनता है कि पूरे भारत को कन्विंस करे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे कि कम वोट में कुछ भी हो जाए, कागज नहीं दिखाएंगे जी। आज की सुबह के हेडलाइंस लाल बाग जाएंगे जी, पटना के सब्जी बाग जाएंगे जी, दिल्ली के शाहीन बाग जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। आज की सुबह के हेडलाइंस में हमें देखा कि डॉक्टर कफील खान को अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर उनको अरेस्ट कर लिया गया, इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि ऐसे ड्रैकोनियन लॉज है। डॉक्टर कफील भारत के उन चंद एक्टिविस्टों में से है जो बार बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे को साइड में करके शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार और चिकित्सा के सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं जी। तो उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ है योगी जी को, और ये उनके साथ एक तरह से कम्प्लीटली वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, और उनको टारगेट किया गया है। जो बच्चों को बचाया, जिनका जिनका सम्मान करना चाहिए थे यूपी सरकार को, उसी को जेल में डाल दिया जी। जिस प्रकार से आईसी घुस को मारा और मुकदमा उसी पे किया, तो वही उनके साथ हो रहा है। तो मैं उसकी न केवल निंदा करता हूँ, आपका हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि जितने भी प्रोटेस्ट हो किसी भी मुद्दे पर, उन हर मुद्दों पर, उन हर प्लेटफॉर्म में असम का साथी अखिल गोगोई और यूपी के साथी डॉक्टर कफील, इन सब की रिहाई की बात की जाए। तो हमने अक्सर प्रोटेस्ट में लेडीज को फ्रंट लेते हुए नहीं देखा, अब जैसे कि हम देख सकते हैं शाहीन बाग में, लखनऊ के घंटा घर में, या बेंगलोर के बिलाल बाग में, यू नो वुमेन्स हैव टेकन द फ्रंट, आ गई हमारी महिलाएं सड़क पे उतरी, इस पे आपका क्या मैसेज होगा केंद्र सरकार को? बस यही कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जिंदाबाद का नारा अब साकार हो रहा है जी। मोदी जी सुधर जाए, हर चुनाव के पहले उनको अपनी माँ के पैर छूने का मन करता है जी। पूरे भारत की मीडिया को ले जाकर मानो कोई पीआर का कार्यक्रम हो जी। ऐसे उस प्रकार से अपनी माता जी का राजनीतिक यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। सुधर जाए और उनकी माँ, उनकी दादी जो शाहीन बाग पर बैठी है, उनके साथ डायलॉग करें। जो प्रधानमंत्री अपनी माँ को राजनीतिक यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, आपको क्या लगता है वो जो सड़क पे बैठी महिलाओं की बात सुनेंगे? बचपन में वो मगर मारा करते थे ना, मगर पकड़ा करते थे, तो बीच में दो चार मगर का चमड़ा है वो उतार कर वो खुद पहन लिए, तो उनका उनका एक तो भारी भरखम मोटा चमड़ा और उसके ऊपर भी मगर की खाल जी। तो उससे इतनी उनके दिमाग में एरोगेंस, इतना घमंड घुस गया है कि वो कोई संवाद नहीं करेंगे। आखिर में हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या मैसेज होगा यूथ एंड अदर पब्लिक ऑफ द नेशन? भारत के सारे युवा साथियों को, सारी जनता को यही ये कहना चाहेंगे कि व्हाट इज सुप्रीम इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी और अमित शाह तो आएंगे और जाएंगे, आइडिया ऑफ इंडिया विल सर्वाइव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्वाइव। लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, एक दिन जीत हमारी होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश। लाइक, share and subscribe our channel.